Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel. How are you? I hope you are all fine and okay. May God bless you all the blessings you deserve. Amin. Back to my topic. आज मैं आपको बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइल्स के मेहंदी का डिज़ाइन दिखा रही हूँ. पैटर्न देखें बहुत खूबसूरत हैं. लीव्स बनाकर इनको आप डिफरेंट किस्म की शेडिंग दे सकते हैं. मेहंदी लगाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी को शौक है. अपने हैंड्स को खूबसूरत बनाएं मेहंदी के डिज़ाइन के साथ. ये डिज़ाइन आप ब्राइडल को भी यूज़ करवा सकते हैं. ब्राइडल के हैंड्स बहुत प्यारे लगेंगे. इस तरह के डिज़ाइन आप फिंगर्स पर बनाएंगे एंड हैंड्स पर बना सकते हैं. फ्रंट साइड पर, बैक साइड पर बहुत खूबसूरत लगते हैं स्टाइल. व्यूअर्स यही स्टाइल्स आप फीट पर भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत प्यारे और अच्छे पैटर्न के आज हम आपको दिखा रहे हैं डिज़ाइन. व्यूअर्स इनको आप अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन का नाम भी दे सकते हैं. और पार्टी के लिए लेडीज ने फंक्शन वगैरह को अटेंड करना है तो वो इस तरह के डिज़ाइन बनाकर जाएं. बहुत प्यारे लगते हैं, हैंड बहुत खूबसूरत लगते हैं. व्यूअर्स मेहंदी के कोई स्पेशल डिज़ाइन नहीं होते. मेहंदी आप किसी भी शेप में लगा सकते हैं. स्पेशली ये हुनर जिसके हाथ में है, जिन लेडीज़ के हाथ में, जिन व्यूअर्स के हाथ में है ये हुनर, ये स्किल जिसको है तो ये गॉड गिफ्टेड होती है. जिसको ये वर्क आता है तो ये स्किल अल्लाह ताला हर किसी को दे. अगर आप में भी इस तरह की स्किल है और आप लगा सकते हैं मेहंदी तो बहुत अच्छी बात है. आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट करें अपने हैंड्स पर, अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स की, कजन्स के हैंड्स पर आप लगा सकते हैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन. इनका कोई पैटर्न नहीं होता स्पेशल, इनकी कोई स्पेशल शेप नहीं है कि आप लाजमी की शेप में बनाएं, इन स्टाइल्स में बनाएं. आप जिस तरीके में भी बनाना चाह रहे हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता वर्क शुरू करते हैं मेहंदी लगाना, स्पेशली इसमें ये बात आपने काबिल गौर समझनी है कि जिनको शौक है ना इस वर्क में वो लगा सकता है. ये आप जो कहते हैं कि आप धक्के से किसी को कहेंगे कि ये काम हमने करना है या आप करो, आप कर सकते हो, नहीं ऐसे नहीं होता. अगर आपको शौक है ना तो आप फिर बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं. आप में शौक का जज्बा होना चाहिए फिर आप लगा सकते हैं. तो कोशिश करें, अगर आप थोड़ा सा फॉर एग्जांपल आप पेजेस वगैरह पे आपको पेंटिंग का शौक है, आप ड्राइंग करते रहे हैं, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए इनको लगाने की अपने हैंड्स पर. आस्ता आस्ता पहले आप ड्राइंग पेज पर बनाने की कोशिश करें. जब आप ड्राइंग जिनको शौक है, फॉर एग्जांपल आप आस्ता आस्ता फूल बनाते हैं या जिनको एम्ब्रॉयडरी वर्क आता है, फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं, बीड्स वगैरह लगा लेते हैं, जिनको इतनी स्किल है, उनका माइंड इतना है कि हमने किस शेप में फ्लावर बनाना है और लीव्स कैसे बनाने हैं, इनको बेल की शेप कैसे देनी है, तो वो आसानी से और इजीली इनको क्रिएट कर सकते हैं. और ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये शौक की बात है, जिसमें जज्बा है काम करने का और उनका जहन है, माइंड है इस काम की तरफ, तो वो कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं. सो, आज हम इन डिज़ाइंस को देखकर अपना माइंड बनाते हैं कि जिनको ये वर्क नहीं भी आता वो कर सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा अगर आप में जज्बा है, शौक है, आप लगाना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं. बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, हमारे आप चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें भी आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे. एंड आज जो फैशन में बहुत सारे ऐसे चैनल्स चल चुके हैं जिनमें आपको डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं. ये ज़रूरी नहीं कि आप हमारे चैनल को विजिट करें बार बार. हम आप में एक जज्बा, एक शौक पैदा करना चाह रहे हैं कि आप ये डिज़ाइन लगा सकते हैं. आस्ता आस्ता थोड़े काम से शुरू करेंगे, आस्ता आस्ता करते करते आप में जो स्किल है वो आपकी बढ़ती जाएगी और आप काम करते जाएंगे. बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि आजकल ये फैशन में बहुत ज़्यादा इन है और मेहंदी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है. हमने फंक्शन पार्टीज में जाना होता है तो हमें ये देखें कितना प्यारा पैटर्न आपको दिखाया जा रहा है लीव की शेप में. ये फॉर बिगनर्स हम आपको छोटे छोटे टैटूज के डिज़ाइन दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं. तो व्यूअर्स आइए आज से हम कोशिश करते हैं कि हमने मेहंदी लगाना है और आस्ता आस्ता सीखना है, फिर हम थोड़े से ज़्यादा की तरफ जाएंगे.
आप छोटी छोटे छोटे फ्लावर से शुरू करें, छोटी सी बेल से शुरू करें, फिर आस्ते आस्ते उसको बड़े पैटर्न की तरफ ले जाएं। ओके व्यूअर्स, आज हम इतना ही आपको गाइड करना चाह रहे थे और आपको जो बताना चाह रहे थे वो मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है। अब आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़।